शानदार अदाकारी, बेहतरीन कदकाठी और बोलती आंखों के मालिक अजय देवगन का सिनेमा पर करिश्मा सबने देखा है। अजय देवगन आज फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर और ए लिस्ट एक्टर में से एक है। फूल और कांटे से शुरुआत करने वाले अजय आज बॉलीवुड का जाना माना नाम बन चुका है। उन्होंने अलग अलग जॉनर की फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें 3 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। उनके पिता वीरू देवगन भी सिनेमा से जुड़े थे, इसलिए अजय का झुकाव हमेशा से फिल्म लाइन की तरफ ही रहा। पर्दे पर अजय देवगन ने हर तरह के रोल प्ले की। रोमांटिक और एक्शन फिल्मों के हीरो बनकर सिल्वर स्क्रीन पर शुरुआत करने वाले अजय देवगन ने कॉमेडी रोल में भी अपना दमखम दिखाया है। इस वर्सटाइल एक्टर का जन्मदिन है। अजय देवगन आज 55 साल के हो गए हैं। फिल्मी पर्दे पर उनकी जिंदगी तो सबने देखी है। हम बात करेंगे उनके एक्टर बनने से पहले की जिंदगी के बारे में। सीधे साधे और शांत दिखने वाले अजय देवगन कॉलेज के दिनों में मस्ती खोर हुआ करते थे। उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो कॉलेज में गुंडे हुआ करते थे। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें इसी मस्ती के चक्कर में जेल की हवा तक खानी पड़ गई थी। अजय देवगन का असली नाम विशाल देवगन है। कॉलेज में दोस्तों के बीच 3 गैंग बड़ी प्रसिद्ध थी। तारस सिंह के बेटे बिंदु तारस सिंह, बॉबी देओल की और अजय देवगन की विशाल गैंग। तीनों कॉलेज के दिनों में जिगरी यार हुआ करते थे और उनकी दोस्ती का सिलसिला कॉलेज खत्म होने के बाद भी जारी रहा। अजय देवगन ने एक बार इस बात का खुलासा किया था कि वो कॉलेज में गुंडा हुआ करते थे। उन्हें 2 बार सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, यहाँ तक कि पिता की गन भी चुरा ली थी। इसका खुलासा बिंदु तारा सिंह ने सिद्धार्थ कनन के एक इंटरव्यू में दिया था। दरअसल बात यह है कि होली का माहौल था। अजय अपने दोस्तों के साथ बांद्रा जाकर मस्ती करना चाहते थे। जब अजय अपने दोस्तों के साथ बांद्रा गए तो बियर पीने का प्लान बनाया। वहाँ 4-5 लड़के और थे। जैसे ही सब बियर पीकर वापस आए तो देखा कि जीप के सामने पुलिस की जीप खड़ी हुई, वहाँ उन्हें ही देख रही थी। जीप में हॉकी स्टिक्स और तलवार भी थी। ये देख पुलिस को उन पर शक हो गया था। जब मालूम हुआ कि अजय फाइट मास्टर वीरू देवगन और बिंदु तारा सिंह के बेटे हैं, तब थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें जाने दी। अजय देवगन का फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी मजाक करने का अंदाज कायम है। उन्होंने अपनी कई को स्टार्स के साथ सेट पर एक से बढ़कर एक प्रैंक किए हैं। कभी अमिताभ बच्चन के फोन से मैनेजर को सुबह 6 बजे बुलाने का प्रैंक, तो कभी को स्टार्स को डरावनी कहानी सुनाकर उनका दिल दहला देने का प्लान। अजय इंडस्ट्री के नंबर 1 प्रैंक स्टार्स में से एक है।